पुलिस को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, एक सिस्टम जो है उसकी बात कह रहा हूं। अगर वो लाठी उठाकर बोले हट यहां से, तो आप जल्दी साइड हो जाएंगे। और मान लीजिए रात को 8 बजे है, घर जाओ यहां से, तो तुरंत बोलेंगे मारिए मत, हम चले जाएंगे, क्योंकि आप प्रजा है। सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का या मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की बात नहीं है। 2 जिले में मैं भी डीएम रह चुका हूं, कलेक्टर रह चुका हूं। एक नागरिक सरकारी ऑफिसर ऑफिस में, दफ्तर में हाथ जोड़ के ही आता है, हक से नहीं आता है। हक से सवाल पूछने के लिए एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता है। क्यों? अपना हक नहीं समझता है। ये देश नागरिकों का देश है, किसी का राजा का देश नहीं है। जो अगर पुलिस खड़े हैं, इनकी लाठी भी आपके टैक्स से आए हुए हैं, जिससे आपको शायद मार पड़ती होगी, वो भी आपके टैक्स से आए हुए हैं। पर मान लीजिए आप इधर से चल रहे हैं, नहीं उनको कुछ वो नहीं कह रहा हूं, मैं पुलिस को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, एक सिस्टम जो है उसकी बात कह रहा हूं। अगर वो लाठी उठाकर बोले हट यहां से, तो आप जल्दी साइड हो जाएंगे। और मान लीजिए रात को 8 बजे है, घर जाओ यहां से, तो तुरंत बोलेंगे मारिए मत, हम चले जाएंगे, क्योंकि आप प्रजा है। नागरिक होते तो पूछते कि भाई मार क्यों रहे, तुमको किसने अधिकार दिया मेरे ऊपर मारने का? मेरा ही देश में मुझे सेवा करने के लिए जो निवृत्ति हुए, आप हमें मार कैसे सकते, ये पूछते नागरिक होते तो। पर हम वो नहीं पूछते, मुझे मारिए मत, चले जाएंगे आप, और मार क्यों रहे। जब अपने आप को नागरिक नहीं महसूस करते, तो सरकार से जिम्मेदारी मत एक्सपेक्ट करेंगे, उसकी उम्मीद मत रखिएगा। जब खुद से नागरिक होने का उम्मीद नहीं है आपको, तो सरकार से जिम्मेदार होने का उम्मीद भी मत रखिए। वो भी राजा की तरह ही बिहेव करेंगे जब तक आप प्रजा की तरह बिहेव करते रहेंगे। ये मैं अभी किसी ने, कई सारे लोगों ने बल्कि मैसेज किया, जब उनको पता चला कि मैं सिवान में आ रहा हूं, उसमें से एक ने मैसेज किया है कि यहां से कई सारे लोग बाहर जाते हैं, वो क्योंकि काम के लिए बाहर जाते हैं, और शायद ड्राइवरी करने का कई सारे लोग निकलते हैं यहां से। उन्होंने लिखा है कि बिना घूस का हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता ही नहीं, हेवी मोटर का जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलता ही नहीं यहां पे, और हम दूसरी स्टेट से, दूसरे जिलों से जाके वो ड्राइविंग लाइसेंस बना के यहां से कहीं और जाके नौकरी ढूंढते हैं। और वो चाह रहे थे कि मैं इस मुद्दे को इस मंच से बोलूं। भाई सिवान मेरा है कि आपका है? अगर आपको यहां पे दिक्कत है, आप सवाल पूछेंगे कि आप उम्मीद रखेगा कोई और आके वो सवाल उठाएंगे? पहले ये अपना है ये सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ये मेरा है, ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये जिला मेरा है, ये गांव मेरा है। और अगर यहां कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का जिम्मेदारी भी मेरी है, कोई और आके नहीं कर सकता ये। उसके जगह पे हम अपने आप को प्रजा ही, क्योंकि आसान है प्रजा बनना, नागरिक बनना बहुत मुश्किल है। चीजों को समझना होगा, सवाल उठाना होगा, फिर लड़ना पड़ेगा, हो सकता है सड़क पे उतरना पड़े, मुश्किल है नागरिक बनना, बहुत मुश्किल काम है। प्रजा बनना तो बहुत आसान है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, 4 बार गाली दे दिया, कुछ खोज लिया, अरे सारे चोर है, सारे वैसे ही, खत्म। बहुत आसान काम है, और आदमी हमेशा आसान रास्ता चुनता है, सही और गलत रास्ता नहीं चुनता है। ये सोचता भी नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, आदमी सोचता है आसान क्या है, और आसान क्या है उसको चुन लेता है। पर इसके साथ साथ एक और चीज हुआ है, आज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, डैन कहन करके एक रिसर्चर है, सोशल साइंटिस्ट है, एक ऐसे नाम मान लीजिए, उन्होंने एक चीज स्टडी करके बताया है कि जब हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को हमें लगता है कि कुछ खतरा है, चाहे वो आइडेंटिटी हो सकता है हिंदू होने का हो, मुसलमान होने को हो, कोई जात का हो, कोई प्रदेश का हो, कोई भी तरीके का हो, उस पहचान पे जब
कोई सवाल हमें लगता है कि उसको खतरा है, तब हमारे सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अगर आज सवाल होना चाहिए था कि पेट्रोल के दाम क्यों इतने बड़े हैं, पर वो नहीं होता। क्यों भाई? जब हिंदू खतरे में है तो क्या 50 रुपए ज्यादा नहीं दे सकता पेट्रोल के लिए? ये वो इसलिए नहीं है कि हिंदू खतरे में है इसलिए वो नहीं है, ये दिमाग में आ जाता है कि पहचान हमारे अस्तित्व खतरे में है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सह लेंगे ना, चाहे पेट्रोल का हो चाहे डीजल का हो कोई बात नहीं, तो लाठी भी मार लो चलेगा, धर्म बचना चाहिए। अब वो खतरे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एस्टैब्लिश्ड है कि जब हमें ऐसे लगता है हमारी कोई आइडेंटिटी खतरे में है तो हमारे सोचने का क्षमता वो नीचे हो जाता है।